हुआ बड़ा हमला, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस। पिछले साल के अंत में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस इलाके में 8 विधानसभा सीट में से 7 पर बीजेपी को हार मिली थी। सचिन पायलट के मजबूत गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी रैली की शुरुआत कर संदेश देने जा रहे हैं कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव का पिछला परिणाम दोहराने की पूरी कोशिश करेगी। पिछली बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। लोकसभा चुनाव से पहले सभी बड़े नेताओं ने चुनावी जनसभाएं करनी शुरू कर दी हैं और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं से आगे हैं और ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र से विजय संकल्प रैली कर बीजेपी के लिए राज्य में लोकसभा चुनाव का श्रीगणेश कर रहे हैं और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमने गाय की रक्षा के लिए कामधेनु आयोग बनाने का फैसला लिया है, जिसके लिए बजट से 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ऐसे बड़े काम तभी संभव हो सकते हैं जब सेवा भाव से आप काम करते हैं। पिछले 4.5 साल में ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चा होती थी। अब जब यह जमीन पर आ गई है तो एक विश्वास उठा है कि मोदी है तो मुमकिन है। राजस्थान के फौजी भाइयों को याद होगा कि कैसे 40 साल तक उन्हें वन रैंक वन पेंशन पर झूठे वादे किए गए। आज जवानों की शहादत पर आंसू बहाने वालों के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन भी लागू किया। 20 लाख पूर्व फौजियों को लगभग 1100 करोड़ रुपए के एरियर भी दे दिए गए। ये काम इसीलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक ऐतिहासिक योजना लेकर आई है। ये वैसी योजना नहीं है जो कांग्रेस हर 10 वर्ष पर लेकर आती है। कांग्रेस को चुनाव आते ही कर्ज माफी का बुखार आ जाता है। उनकी योजना का लाभ मात्र 20% किसानों को होता था, लेकिन हमारी योजना का लाभ 90% किसानों को होगा, जो हर साल मिलेगा। हमने जो योजना बनाई है उससे 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में जमा होने वाला है। पुलवामा हमले के शहीदों के परिवार वालों की मदद के लिए प्रत्येक हिंदुस्तानी खड़ा हुआ है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंकवाद को जवाब नहीं दे पाए थे। ऐसे लोग न देश के जवान के हैं और न देश के किसान के हैं। इन लोगों ने कहा था कि 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन क्या वादे के मुताबिक कर्ज माफी हुई? आतंकवाद से मुकाबला करना है तो कोई गलती ना करे। कश्मीरी भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में नई सरकार बनी तो मैंने नए प्रधानमंत्री को बधाई दी। मैंने उनसे कहा था कि आप राजनीति में आए हैं, आइए भारत पाकिस्तान मिलकर गरीबी अशिक्षा के खिलाफ लड़े। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं पठान का बच्चा हूँ, सच बोलता हूँ, सच करता हूँ। आज पाकिस्तान के पीएम के शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्य हिस्सों में कश्मीरियों पर हमले की खबर पर कहा कि कश्मीरी बच्चों के साथ हिंदुस्तान के किसी कोने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुद्दा यह नहीं है। इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। कश्मीर का बच्चा बच्चा आतंकवाद से पीड़ित है। वह आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हमें उसको साथ रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद आपने देखा है कि कैसे एक एक कर पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। हमारी सरकार के फैसले से वहां हड़कंप मचा है।
देश में अलगाववाद को हवा देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी। उन्होंने कहा कि यह नई नीति और नई रीति वाला भारत है। मैं देश के आक्रोश से भरी हुई जनता से आग्रह करना चाहता हूं। सेना को हमने पूरी तरह खुली छूट दे दी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर वीर रस की बाढ़ आई है, लेकिन हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों के लिए नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि आपका एक प्रधान सेवक इन आतंकियों का दाना पानी बंद करने में जुटा है। दुनिया में तब तक शांति कायम नहीं होगी जब तक आतंक की फैक्ट्री चलती रहेगी। अगर आतंक की फैक्ट्री पर ताला लगाने का जिम्मा मेरे ही हक में है तो यही सही। ये संकल्प सिर्फ मेरा नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। यह राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति का सवाल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टोंक और सवाई माधोपुर की धरती से पुलवामा के वीर जवानों को नमन करता हूं। मैं इन वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं को फिर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आप सभी ने राष्ट्र रक्षा के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। आपकी वजह से ही भारत आज सीना तानकर विश्व पटल पर खड़ा है। संपूर्ण देश आपके साथ है ही, आज पूरा विश्व भी आपके साथ है। मुझे वीर जवानों पर गर्व है जिन्होंने हमले के बड़े गुनाहगार को हमले के 100 घंटे के बाद ही वहां पहुंचा दिया जहां उनकी जगह थी। लेकिन आप भरोसा रखिए, इस बार सबका हिसाब होगा और हिसाब पूरा होगा। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।